चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वंदना जित लीला प्रभु विष्णु विष्णुपाल स्तोत्र सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद वंदना जित लीला प्रभु विष्णु विष्णुपाल स्तोत्र सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडीपाल वैष्णव वैष्णवी सभी कवि तथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्री मन शिक्षा ग्रंथ को विषय पर हम श्रवण कर रहे हैं। कभी ये ग्रंथ का जो कर्ता है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। कभी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये कौन है हमारे संप्रदाय के यदि हमारे प्रयोजन आचार्य। प्रयोजन मतलब हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। यदि राधा रानी की निकुंज की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा बड़ा दुर्लभ वस्तु है, वो साधारण वस्तु नहीं, जिसके लिए बताए ब्रह्मा विरिचिर बांछित जसे, वो दुर्लभ बड़ा दुर्लभ प्रेम है, जिसके लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, शंकर भी तरसते हैं, उद्धव भी तरसते हैं, जिस प्रेम के लिए स्वयं लक्ष्मी भी तरसते हैं। जो प्रेम हमें प्राप्त करे, जो प्रेम हमें प्राप्त हो, इतने दुर्लभ वस्तु है। अभी प्रश्न है, अभी वो दुर्लभ वस्तु को हम कैसे पा सकते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये मन शिक्षा ग्रंथ को उन्होंने लिखे हैं। इसलिए जो मन शिक्षा यदि हमारी 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया है, लेकिन इसका राजा कौन है, इसका राजा कौन है, तो ये मन है। अगर ये मन अगर बोलेगा भैया जा करके हरिकथा में बैठो, देखना सारी इंद्रिया आकर हरिकथा में बैठेगी सारी दुनिया। अगर ये मन बोलेगा अरे आज तो छुट्टी है ना, आज तो परिक्रमा नहीं, आज अच्छे तरह से सो जाओ, इसलिए आज ज्यादा वक्त नहीं मिल रहे, क्यों यार आज छुट्टी है ना, इसलिए ये बाबा को तो सोते देते ही नहीं, आज बढ़िया करके सो करके रहो, इसलिए ज्यादा वक्त लोग नहीं आए, क्योंकि जो मन है ये कह रही है मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध पक्ष, यही मन ही मुक्ति का कारण है और यही मन ही बंधन का कारण है। इसलिए भगवान कपिल देव कहते बोले माँ पहले ये मन को सही करो, जैसे एक तालाब की एक ही चाबी है, उल्टा घुमाओ तो वो बंद हो जाएगी और सीधा घुमाओ तो खुल जाएगी। अगर ये मन को अगर हम उल्टा ले लें भक्ति की विरोध में ये बंधन का कारण बनेगा, लेकिन अगर भक्ति की अनुकूल में ले ले फिर ये मन फिर तो ये मुक्ति के कारण बनेगी। इसलिए ये ग्रंथ का नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे पहले ये मन को सिखा देते हैं। मन ही सब कुछ है, हैं? ये मन ही सब कुछ है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे सवेरे उठो और अपना जुत्ती लो और ये मन को 100 बार पिटाई करो, ये मन को 100 बार पिटो। पिटो मतलब क्या है, ये मन को समझाओ, मन आज सारा दिन हरि स्मरण गुरु वैष्णव का स्मरण करना,
हरिनाम करना, भगवान की भक्ति करना, भजन करना, ये मन को समझाओ हैं, यही मन ही सब गलत रास्ता पे लेने वाले, गलत रास्ता में हमें ले जाने वाले। इसलिए जो पहला जो श्लोक है उसमें बताया, गुरु गोष्ट गोष्टालय सो सुजनी भुसरगण, समझो रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक में समझो सब कुछ उन्होंने एक श्लोक में दे दिया। इसलिए पहला शब्द है गुरु, गुरु मतलब क्या, यहाँ पर एक वचन नहीं यह बहुवचन बताया हैं। अभी अभी बता रहे ना, पहले गुरु जी की चरण में तो निष्ठा होनी चाहिए, इसलिए बोले ध्यान मत, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद। बोले ध्यान कर तो किसकी ध्यान करनी चाहिए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सबसे पहले सवेरे उठ करके हमें गुरु जी के चरण में सबसे पहले हमें प्रणाम करनी चाहिए है? सबसे पहले, इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद। बोले किसकी चरण की पूजा करनी चाहिए, बोले गुरु जी के चरण की पूजा करनी चाहिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बद मोई सावधाना माते। इसलिए श्री गुरु चरण की पूजा करनी चाहिए, गुरु चरण की, और कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मतलब मंत्र मूलम गुरु वाक्य। इसलिए बोलना गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया आइक, आर ना करिया माने आसा। इसलिए गुरु वाक्य को हैं पालन करनी चाहिए, इसलिए तब भी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी, तब भी, क्योंकि बोले जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिसकी कृपा से ही भगवत प्रसाद होगा, जिसकी अप्रसाद में न गति कुतोपि, कोई जीव का गति है ही नहीं। इसलिए श्री उपनिषद कहता है जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। इसलिए तीन तरह का भक्त बताए, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ और एक अधम। इसलिए अधम, इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि उत्तम भक्त कौन है, बोले गुरु जी बोलने से पहले गुरु जी की भावना को समझ करके जो काम कर ले कहते उत्तम भक्त है। बोले मध्यम भक्त कौन है, बोले गुरु जी की आदेश करने पर जो गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए करे कहते मध्यम भक्त है। कहते हैं कनिष्ठ भक्त कौन है, गुरुदेव बोलने पर बड़े कष्ट से करे। बोले तुम धमाधम भक्त कौन है, सबसे अधम। कहते गुरु जी बोलने पर भी वो वाक्य को पालन नहीं करे। इसलिए गुरुदेव कहते से बक, बोले से बक से सेव हटा दो रह जाएगा बक। कहते वो बगुला भक्त है, वो बगुला भक्त, वो भक्त नहीं। इसलिए यहाँ पर सबसे जो शब्द बताया ये गुरु शब्द प्रयोग किया है। लेकिन अभी फिर प्रश्न आता है, फिर भैया अगर गुरु ही सब कुछ हो गए वैष्णव लोग फिर कहाँ जाएंगे, फिर वैष्णव लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर गुरु शब्द प्रयोग किया, केवल गुरु शब्द नहीं, यहाँ पर गुरु, गुरु मतलब बहुवचन है। बहुवचन मतलब है हरि गुरु वैष्णव, तीनर स्मरण है, तीनर स्मरण है तीन विनाशन, ये तीनों का नाम लिया, हरि का नाम लिया, गुरु का नाम लिया और वैष्णव का नाम, तीनों का नाम लिया। जैसे अभी जैसे हमारी कथा सुन रहे हो, हमारे कुछ शिष्य होंगे, हाँ गुरु जी को प्रतिदिन ध्यान करनी चाहिए, गुरु जी की सेवा, लेकिन ये तो वैष्णव से जो कथा सुनते हैं, फिर ये वैष्णव लोग कहाँ जाएंगे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए बताए हैं, शिक्षा गुरु गत जान कृष्ण रे स्वरूप, और दीक्षा गुरु गत जान कृष्ण रूप है। इसलिए यहाँ पर एक रूप और एक स्वरूप बताया, एक स्वरूप बताया कृष्ण का स्वरूप और एक रूप। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जो स्वरूप और ये जो रूप बताए, ये स्वरूप रूप में कोई पार्थक्य नहीं, वो एक ही वस्तु है, स्वरूप और रूप में कोई भेद नहीं, स्वरूप रूप एक ही वस्तु है, लेकिन केवल वाक्य में भेद है। इसलिए यहाँ पर
दोनों को शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु और गुरुदेव और एक बात कहा करते थे हमारे जो बड़े गुरुदेव और एक बात कहा करते थे कहते देखो कभी कभी जो गुरुदेव है कभी कभी उनको बड़ा मर्यादा बोध होता है लेकिन जो शिक्षा गुरु कभी कभी ये बहुत फ्रेंडशिप इनके साथ में होता है इनके साथ में बड़ा फ्रेंडशिप होता है जिनको पास में अपने हृदय खोल करके हृदय के बाद जिसको साथ में तुम बता सकते हो हैं बता सकते हो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी श्रील प्रभुपाद इन्होंने दो परंपरा बताई एक परंपरा है शिष्य परंपरा एक है और दूसरा जो परंपरा है भागवत परंपरा इसमें दो परंपरा की बात आई शिष्य परंपरा मतलब एक शिष्य से दूसरे से तीसरे से चौथे ये जो शिष्य लोग धीरे 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 आए कहते भागवत परंपरा किसको कहते हैं बोले शिक्षा परंपरा इसलिए प्रभुपाद ने देखा ये गुरु परंपरा में कभी गड़बड़ी हो सकती है ये कभी कभी लेकिन जो भागवत परंपरा है वो शुद्ध परंपरा है भागवत परंपरा इसलिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो भक्तिविनोद ठाकुर का डायरेक्ट शिष्य नहीं है और श्री भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास गोस्वामी का वो शिष्य नहीं है लेकिन हमारे परंपरा में देखो हम किसका नाम लेते हैं इनका नाम लेते ही नहीं क्योंकि इन्होंने उनका जो शिक्षा को संपूर्ण रूप में अपना जीवन में उन्होंने शिक्षाओं को ग्रहण किया है कभी कभी गुरु परंपरा में प्रभुपाद ने देखा जैसे गुरु जी का शिष्य कभी कभी क्या होता है गुरु जी से का हमने हरिनाम मंत्र लिया लेकिन गुरु जी को जो भजन पद्धति है कभी कभी अपना जीवन में नहीं होता लेकिन गुरु जी से हमने मंत्र लिया लेकिन इसलिए हम कहते रूपानुग गुरु परंपरा ये रूपानुग गुरु परंपरा जो रूप गोस्वामी की शिक्षा को मंत्र दे लिया लेकिन उसमें हम केवल शिष्य दीक्षा मंत्र लेने से शिष्य नहीं होता है शिष्य मतलब होता है गुरु जी की शासन को जो स्वीकार करे और गुरु जी का जो भजन पद्धति ये भजन पद्धति को जो स्वीकार करे केवल मंत्र लेने से शिष्य नहीं हो जाते हैं इसलिए श्री प्रभुपाद ने देखा कभी इसमें गड़बड़ी है इसलिए प्रभुपाद ने ये भागवत परंपरा को प्रभुपाद ने ये भागवत परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया इसलिए यहाँ जो पहला शब्द है गुरु गुरु मतलब है सभी को सम्मान देनी चाहिए इसलिए चार तरह का गुरु बताए एक तो दीक्षा गुरु है प्रशिक्षा गुरु है वर्तम प्रदर्शक गुरु और एक अंतर्ज्ञानी गुरु इसलिए गुरु चार तरह के बताए दीक्षा गुरु मतलब जिसे हमने डायरेक्ट मंत्र प्राप्त किया शिक्षा गुरु मतलब जिनसे हम हरि कथा सुन रहे हैं उनसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त हो रहे हैं हाँ उनको भी सम्मान देनी चाहिए और कहते वर्तम प्रदर्शक गुरु मतलब सबसे पहले हमें जो भगवान की कथाओं को सुना करके हमें जो इतने उत्साह दिया और उत्साह दे करके जो हमें गुरुदेव तक हमें जो पहुंचाए और अंतर्ज्ञानी गुरु मतलब गुरु अंतर्ज्ञानी रूपे सिखाए आपने ये स्वयं कृष्ण बनते ये जगत गुरु क्योंकि गुरु जी का चरण तक लाया कौन जिसको प्रभुपाद कहते हैं कहते ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा दी तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं भैया गुरुदेव ने हमें मंत्र प्रदान किया तो यहाँ पर कृष्ण शब्द फिर की माता है गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता रूपी बीज को उन्होंने गुरु कृष्ण से कृष्ण गुरु की कृपा से पाए इसका कृष्ण का नाम फिर क्यों आया बल्कि इसीलिए कृष्ण का नाम पहले आया यहाँ तक हमें शुद्ध गुरु तक किसने पहुंचाया हम दूसरे संप्रदाय में क्यों नहीं गए हैं हम इसी गौड़ीय संप्रदाय में क्यों आए फिर तरह तरह का अपर संप्रदाय अब जानते हो जगत में भारत में कितने योगी कर्मी भोगी पता नहीं बहुत सारे उल्टा पुल्टा है लेकिन प्रश्न है हमें ये महाप्रभु धारा में कौन लाया है और हमारे गुरु जी तक हम किसने लाया है बल्कि ये कृष्ण लाए हैं इसलिए ध्रुव जी ने जब तपस्या की तो नारद जी को किसने भेजा ये कृष्ण ने
कृष्ण स्वयं ये नारद जी को कृष्ण स्वयं भेजते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कृष्ण शब्द प्रयोग किया, कृष्ण कृपा से ही हमने ये गुरु तक हमने पहुंचे। इसलिए यहाँ पर जो पहला शब्द है गुरु है, गुरु, उसको बाद में गुरु जी को पास आए तो क्या गुरु जी बोलेंगे, जय गुरुदेव। आपको पता होगा एक संप्रदाय है जो जय गुरुदेव भगवान भगवान विशाल मंदिर बना हुआ देखना, मंदिर में जा कोई भगवान भगवान कोई मूर्ति नहीं। ये लोग हैं जैसे बिचवाली होता है ना, गुरुदेव का नाम क्या है, जैसे बिचवाली होता है ना, बीच में एक व्यक्ति होता है जो लड़का लड़की का संबंध को जोड़ देता है, तो बिचवाली क्या बिचवाली कहते हैं ना, बिचौलिया कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं जो लड़का लड़की के बीच में संबंध है। अगर जो संबंध जोड़ने वाले बिचौलिया वो अगर खुद वाली लड़की से नहीं शादी कर लो, ये लड़की से लड़का बहुत अगर मैं स्वयं शादी कर लूंगा, ठीक है ये गड़बड़ी है। इसलिए गुरुदेव का जो काम है, जैसे श्री नारद जी ध्रुव जी को क्या बोले, बोले मेरा नाम लो, उन्होंने बोले ना वो नमः भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी हैं कहते, श्री नारद जी को उनको गुरुदेव ने क्या मंत्र दिया, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय शंकरसन अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये एक मंत्र प्रदान किए। इसलिए श्री नारद जी श्री वाल्मीकि को कौन सा मंत्र दिए, बोले भगवान राम का नाम जप कर, तो भगवान राम का नाम जप करो। लेकिन ऐसे ऐसे अभी उत्पटा का संप्रदाय निकला है, बोले जय गुरुदेव भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरुदेव का पट रख लिया बस। कहते ना उसमें बताए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, एक श्लोक आता है। लेकिन ये लोग क्या करते, जो श्लोक को वो उल्टा व्याख्या करते हैं, हैं यहाँ पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसलिए श्री भक्ति की वाले जनार्दन गोस्वामी महाराज बहुत अच्छी बात कहा करते थे, और यहाँ पर ब्रह्मा जी का नाम क्यों बताए, गुरु जी का विष्णु का स्वरूप गुरु जी का शंकर जी का स्वरूप क्यों दिया, बहुत अच्छी बात बताया करते थे। बोले इसलिए बताए गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु जी ब्रह्मा जी का काम करते हैं। बोले ब्रह्मा का काम किया, बोले ब्रह्मा का काम सृष्टि करना, गुरुदेव हमारा हृदय में जो कृष्ण भक्ति रूपी जो बीज को बो देते हैं, यही ब्रह्मा जी का नाम है। ब्रह्मा जी सृष्टि काम करते हैं, ब्रह्मा जी संहार करते हैं, बोले गुरुदेव शंकर जी संहार करते हैं, शंकर जी कैसे संहार करते हैं, बोले संत के वास चिंतनती मन अभ्यास संदोपनी, गुरुदेव हमें जो कठोर वाणी बोल करके नहीं ये गलत रास्ता है ये सही रास्ता पर चलो, हमें जो हृदय में जो काम क्रोध लोभ है वाणी रूपी तलवार के द्वारा गुरुदेव क्या करते हैं, हृदय की अनर्थ को काट देते हैं। इसलिए गुरु जी शंकर जी का स्वरूप बताया, गुरु जी को विष्णु स्वरूप बताया, विष्णु जैसे पालन करते हैं, गुरुदेव भी हरि कथा रूपी पानी को देख करके हरि कथा बोल करके हमारे हृदय रूपी जो भक्ति रूपी लता को धीरे 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 गुरुदेव बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले जाते हैं, गोलोक वृंदावन तक ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु जी ब्रह्मा विष्णु और महेश शब्द गुरु जी को इसलिए दिया गया, इसलिए महेश शब्द, इसका ये मतलब नहीं अगर गुरु तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु हो गए भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर कहाँ जाए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर कहाँ जाएगी अगर गुरुदेव सब कुछ हो गया, इसलिए उसको वो उल्टा व्याख्या करते हैं। इसलिए इसलिए कहते गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्मा से भगवान भगवान कुछ नहीं, बस गुरुदेव को बीच में रख करके गुरुदेव ही सब कुछ है। लेकिन ऐसे नहीं, हमारी आदर्श हमारी ये आदर्श हमारी नहीं। इसलिए यहाँ पर जो शब्द बताए सबसे पहले उन्होंने गुरु जी के प्रतिनिष्ठा, लेकिन गुरु करेगा क्या, गुरु क्या करेगा, बोले गुरु गोष्ठे, गोष्ठे मतलब क्या है, कहते श्री वृंदावन धामे गुरुदेव जैसे हम मिले, जैसे यहाँ पर सब महाराज लोग हैं, हमें क्या करा रहे, वो कह रहे हमारे ध्यान पर हमारी पूजा पर नहीं, उनमें 84 ब्रज मंडल परिक्रमा करा रहे, क्योंकि ये लीला स्थली है भगवान का। श्री नारद जी भगवान से दो वर मांगे थे, पहला वर था प्रभु अगर वैष्णव का अनुगत्य में, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, गौर मार्ज सब स्थाने परल ब्राह्मण रंगे से सब स्थाना
भवामी प्रणयी भगत संगे शोध भगत चरण रेणु भजनानु बोला। इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण जहाँ जहाँ पर लीला की भक्तों का अनुगत्य में शुद्ध भक्त के अनुगत्य में वो स्थान को हमें दर्शन करनी चाहिए। इसलिए श्री नारद जी बोले प्रभु अगर भक्तों का अनुगत्य में कोई धाम परिक्रमा करे वहां पर जाए वहां पर बैठे वहां की कथा सुने वहां की चरण धूलि शरीर में लगाए जैसे हृदय में आपकी प्रेम प्राप्ति हो उसके हृदय में कोई लीला स्थली उसकी जो लीला उसके हृदय में प्रकट हो नारद का वरदान है। इसलिए क्या करें 84 ब्रजमंडल वैष्णव लोगों को लेकर की सारे लीला स्थलियों में जाते हैं कथा सुनाते हैं और परिक्रमा करते हैं। इसलिए गुरु गोष्ठे हैं उसको बाद में बोले गोष्ठालय सो बोले गोष्ठ में जो निवास करते हैं बोले निवास कौन करते हैं बोले ब्रजवासी लोग निवास करते हैं उसमें भक्त लोग निवास करते हैं उनका प्रतिनिधि नंद बाबा मैया यशोदा सब तक गोपियों की कथा सुनते हैं हरे ब्रजवासियों की कथा हम सुन रहे हैं। गोष्ठालय बोले सुजने सुजन माने कहते सुजन है जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आए हैं सबका प्रतिनिधि साधु तो बहुत है साधु का प्रति प्रेम होनी चाहिए लेकिन शास्त्र कहता है संप्रदाय बिना जे मंत्रा स्ते है विफलमता। इसलिए शुद्ध वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके हैं अगर दूसरे कहीं से मंत्र ग्रहण करते हैं वो मंत्र निष्फल है। साधुओं के प्रति प्रेम होनी चाहिए जैसे तैसे साधु नहीं जिसको जिसको चरण पर प्रेम नहीं करनी चाहिए फिर गड़बड़ी है ना फिर गड़बड़ी है। इसलिए बोले विभु सत्संग के विवेक ना होई हैं वैष्णव संगत प्राप्त होनी चाहिए संग करनी चाहिए लेकिन हमें देख करके ऐसे नहीं जो त्रिपुंड धारण किया हैं जिस बिंदु लगा दी और उल्टा पुल्टा मायावादी सखी भेकी उल्टा पुल्टा साधुओं का प्रतिप्रेम केवल नहीं ऐसे नहीं। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आए उनका संग करो और विशेष करके करना स्वजातीय आश्रय सिद्ध साधु संग सतबरे विशेष करके हम लोग को कैसे साधुओं की संग करनी चाहिए बोले सो जाती है मतलब देखो ध्यान करके सुनो कभी कभी हम कथा तो सुनते हैं इधर उधर टीवी में साधुओं के पास में लेकिन हमें सावधान रहनी चाहिए बोले किस चीज की जैसे हम सीए कर रहे हैं जब सीए कर रहे हैं अभी हमें को कौन सीए कौन पढ़ा सकता है कोई डॉक्टर जो क्या पढ़ा सकता है ना जो साइंस से पढ़ा वो हमें पढ़ा सकता है नहीं जो सीए में एक्सपर्ट हो वही हमें सीए पढ़ा सकता है। ठीक उसी तरह हम कर रहे हम लाए भी किसका है बोले महाप्रभु का लाए श्री रूप गोस्वामी का लाए। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक कौन होगा इसी धारा में जो आए हुए होंगे इसी धारा में जो वैष्णव लोग आए हुए होंगे यही से संग करनी चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति को साथ में बैठ करके अगर कथा सुनने लग जाओ ना पता नहीं ज्ञानी मायावादी भोगी योगी हम कथा तो बहुत लोग प्राप्ति है अगर इसलिए श्री भक्तिप्रण ठाकुर कहते हैं विश्वनाथ प्रण ठाकुर कहते हैं कि जो कान रूपी द्रोणा है ना सबको मत दिया करो कान द्रोणा बनाए ना पीने के लिए बोले सबका संग मत दिया करो ये द्रोणा में सबका कथा को पान मत दिया करो फिर गड़बड़ी उसमें फिर गड़बड़ी है। इसलिए कैसे संग करनी चाहिए सो जातीय अपना जाति वाले होनी चाहिए जो हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग में जो चलता हुआ साधु हो सबसे बेस्ट है सबसे बेस्ट है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं राग वर्ग में चंद्रिका में भाव अनुकूल भाव विरोध भाव अविरोध भाव साबल्य इसमें बहुत सारी बात होता है। ऐसे को जो साधु समझो जैसे रामानुज संप्रदाय का रामानुज संप्रदाय का अगर साधु करोगे हाँ ठीक है साधु लोग है निम्बार्क संप्रदाय का साधु संग साधु संगत है लेकिन होने पर भी उसमें तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी नहीं वो तुमको हानि नहीं करेगा क्योंकि शुद्ध वैष्णव लाएंगे तुम्हारी हानि नहीं करेगा लेकिन तुम्हारी जो भक्ति ना बढ़े तुम्हारी भक्ति नहीं बढ़ेगी उसमें तुम्हारी भक्ति नहीं बढ़ेगी भक्ति ऐसे रहेगी लेकिन भक्ति बढ़ेगी किस द्वारा जो भावानुकूल हमारे भाव के हम जिस लाइन पर चल रहा है जिस भाव को साथ में भक्ति करते हैं अगर ऐसे साधु संग होना हमारे धीरे 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 भक्ति बढ़ेगी नहीं तो भक्ति जहाँ के तहाँ वहीं
सत्यभूत हो जाएगी, मृत्यु वहीं पर रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर सुजने कहते भूसुरजने, भूसुरजने कौन है, बोले भू का जो देवता, पृथ्वी का देवता कौन है, बोले नमः ब्रह्मण देवाय, ये ब्राह्मण लोग को भी आदर देने चाहिए। बोले भैया कौन सा ब्राह्मण है, जो ब्रजवासी तो बहुत सारे ब्रजवासी आपको मिलेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन कौन सा ब्राह्मण को इज्जत देनी चाहिए, बोले जो दैव वर्णाश्रम को जो पालन करते, भ्रष्टाचार वालों को नहीं, दैव वर्णाश्रम को जो पालन करते इनको। सुजने भूषण स्व मंत्र, स्व मंत्र मतलब गुरुदेव हमें जो मंत्र प्रदान किया, देखो ध्यान देकर सुनो। कुछ कुछ लोगों को आकर कहते बोले गुरुदेव आपसे जो मंत्र लिया था ना, हमने एक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और हमने बीच में कुछ दिन मंत्र करना छोड़ दिए, मंत्र करना छोड़ दिए, गुरुदेव अभी हमें क्या करनी चाहिए। नहीं, जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है इसको बृहद भागवत में गोप कुमारी कथा है, उन्होंने कामाख्या देवी से मंत्र लिया, उन्होंने जब जब उनको सुजोग मिलता था गुरुदेव का मंत्र, हर समय गुरुदेव का मंत्र जप करते थे। लेकिन ये मंत्र के इतने प्रभाव है, इतनी अगर सही सही कोई मंत्र प्रदान कोई जप करे, वो मंत्र उसको भूर भुव मोह जन तप सत्य पार करते हुए वैकुंठ अयोध्या, और उनको पार करते हुए द्वारका और मथुरा पार करते हुए पूरा वृंदावन तक ले गया, और लेकर के कहां पर सख्या कृष्ण से उन्होंने उनको मिलन करना। इसलिए गुरुदेव जी से जो मंत्र हमने लिए वो मंत्र को त्रिसंख्या ठीक ठीक से मंत्र को जप करेंगे, कभी मंत्र मत छोड़ना। हाँ, अगर कभी बहुत कोई विशेष कुछ हो गया, अगर कभी अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी पड़ गई, होश नहीं गया, तो एक अलग बात है, होश समेत अगर तुम बेड में सोए हुए उस समय भी मंत्र जप कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र खा सकते हैं, पेशाब जा सकते हैं, मंत्र को जप करते हैं। महाराज कहते हैं जब खा सकते हैं पी सकते हैं सब कुछ कर सकते हो, इसलिए जब लघु संख्या में जा सकते हो इसलिए क्या मंत्र नहीं जप कर सकते। इसलिए गुरुदेव से जो हमने मंत्र प्राप्त की, ये मंत्र को जरूर मंत्र जप करना, बीच में मंत्र अगर जप नहीं करें ना, धीरे धीरे उसका शक्ति धीरे 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 काम होती जाएगी, धीरे धीरे काम होती जाएगी। हाँ, अगर कहीं बाई चांस अगर कभी छूट गया, फिर गुरु जी के चरण में आकर के बोल करके पुनः वो मंत्र को शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए स्व मंत्रे बोले श्री नाम ने, उसको बाद में हरि नाम का प्रति हमारे निष्ठा होनी चाहिए, जिसको महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये हरि नाम दिया है, हरि नाम को यह जब दिया सब करिया निर्बल नियम करके जब करो, ऐसे नहीं कुछ कुछ भक्त तो माला ले लेते हैं गुरु जी से हैं गुरु, लेकिन कुछ दिन बाद में ना फिर तो माला जान के ना लट कर जाता है, माला जान के ना लट नहीं ऐसे नहीं होने चाहिए। गुरुदेव कहते थे ये माला कभी भूखे नहीं जानी चाहिए, कुछ बार से तो माला का घमन खींचाए रखते नहीं, माला होलो साक्षात कृष्ण स्वरूप, ये माला गुरुदेव हरिनाम नहीं दिए, गुरुदेव हमें माला दिया, हमने कृष्ण को दिया। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, ऐसे में गुरुदेव बोलते थे बोले गुरुदेव जब हमें ये माला दिया ना, हम सोचते गुरुदेव क्या दिया, ये झोली माला तो दे दिया, तो मुझे दिया है गुरुदेव कहते थे स्वयं, लेकिन जब धीरे 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 ये माला मैंने जप करना शुरू किया, माला जब धीरे धीरे जप करने शुरू किया, ये जितने रूप में नाम करते गया, अगर मेरे मन में कोई छोटी सी कोई इच्छा होती आती वो झट नाम माला पूरी कर देते थे, झट वो इच्छा पूरी कर देते थे, थोड़ी सी कोई इच्छा हो तो। इसलिए ये नाम नहीं, ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, ये हरिनाम चिंतामणि है। इसलिए भक्तिवृंद ठाकुर पूरा एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम चिंतामणि, इसलिए हरिनाम चिंतामणि नाम लिखे। इसलिए गुरुदेव जब माला दिए कखन एटा खींचे रखते नहीं, मतलब माला जब ना करके ना सकाले किचु हरिनाम करे हैं, किचु माला जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जब प्रसाद लिए ले, बोले हरिदास
प्रसाद ना बोले आज ही बीते बार बना बोले के ना बोले हमारा संख्या माला पूरा हो गई महाप्रभु बोले हरदास ठाकुर पूरा के दी अंतिम सज्जाए श्री आ छे मृत्यु सज्जाए तिनी बोल छे नामी महाप्रभु बोल छे देखो हरदास एखनो वृद्ध हो गए छे तू काम करी करो तब हरदास ठाकुर खूब हाल कथा बोले बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान हमारे शरीर वाला आज शरीर वाला नहीं बना किंतु बोले शरीर का तो भला आछे किंतु जो मन टा ना ये अशुद्ध बुद्धिमान ये मन टा बड़ा दुष्ट हो ये मन टा देखिवे जाते भाल वाला कापड़ बड़ी भूरी हुई सब जगह समय आछे जब हम हरि नाम रे कथा बोला है ना तो हम हजार बहन अरे एक टा हो गई चलो कोई टा हो गई चलो कोई काज पड़ी गई चलो अन्य समय कहाँ चलो ना जब हरि नाम की बात आता है ना दूसरे काम के लिए तो एकदम चंगे हैं हर काम करने के लिए इसलिए हरदास ठाकुर कहते प्रभु शरीर मेरा तो सुस्त है लेकिन ये मन बड़ा सुस्त है ये मन जितने दुष्ट ये मन है सारे काम के लिए पहले बैठा रहेगा लेकिन जब भजन की बात बताओ ना वो हजार बहाना वाली अरे ये हो गया था ये हो गया था ये हो गया था इसलिए महाराज कहते हैं कि मोबाइल आ गया ना ये बड़ा आपत है आनी कर रहे मोबाइल आ गया ना आनी को वहीं पर बंद कर देते मोबाइल पहले मोबाइल है और विशेष करके हमारे ब्रह्मचारी लोग ये मोबाइल नहीं ये साक्षात कली है अभी हमारे ब्रह्मचारी लोग ये कली को फैलने के ब्रह्मचारी भी पड़ गए हैं पहले मोबाइल नहीं था क्या काम नहीं चल रहा था उसमें जो स्मार्टफोन और उल्टा पुल्टा सब गंदी गंदी चीज इसमें कार्य कर जो कुछ देखना देख लो मन तो दुष्ट है वो तो गंदे तरफ में जाएगा इसलिए कुछ हमारे ब्रह्मचारी थे वो स्वयं अभी गृहस्थ बन गए वो स्वयं मेरे को बताए बोले महाराज जी हम जो गृहस्थ बन गए ना ये मोबाइल हमने गृहस्थ बना दिया वो स्वयं मेरे को बताए ये और कंप्यूटर में कुछ काम दिया गुरुदेव को कंप्यूटर में करने के लिए वो कंप्यूटर में काम क्या करे कंप्यूटर में इंटरनेट जो करे उसको उल्टा पुल्टा देखते थे ब्रह्मचारी लोग अभी गृहस्थ बन गए मेरे खुद बोले महाराज जी की जो मोबाइल कंप्यूटर ना हम ये साधु ड्रेस बदला करके हमें ये गृहस्थ बना दिया ये हमें गृहस्थ बना दिया मतलब इतने ही खतरा इसलिए इनको ये मोबाइल नहीं रखनी स्मार्ट था अगर कोई सेवा के लिए वो साधारण छोटा जो फोन है केवल सेवा के लिए रख लिया करो केवल गुरु जी की सेवा के लिए कोई जरूरत पड़ता रखो नहीं लेकिन वैष्णव लोग स्मार्टफोन नहीं रखनी चाहिए था ऐसे ने हरिनाम सिर्फ हरिनाम प्रति निष्ठा होनी जरूरत है हरिनाम फीस माला करो कुछ बात है तो महाप्रभु बोल लेना लखपति नाम ले अंकार हाथ की खा बना जो लखपति नहीं उसका हाथ में खाना नहीं खाते अरे कम से कम एक दिन में अगर एक लखपति कम से कम 16 बार आते करते कि आप 4 दिन में तो लखपति बनो 4 दिन में लेकिन कोशिश करो जितने से ज्यादा जैसे है नाम इसलिए सो मंत्र श्री नाम ने ब्रज दो भक्तों का स्मरण राधा कृष्ण चरण से चरण में हमारी रति हो हां इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हे मन तू सारे दंभों को छोड़ कर दी क्योंकि हमारे मन में जो दंभ अभिमान है ना ये बहुत गंदी चीज है हम ये है हम ये है हम ये है सारे अहंकार को छोड़ कर के हम वैष्णव का दासों का दासों का हम दास है वैष्णव का चरण की हम धूल है ये सोच करके सारे दंभों को छोड़ कर क्या करो राधा कृष्ण के चरण में गुरु वैष्णव के चरण में अपूर्व रति अपूर्व रति करो बस इतने ही हमारे कल्याण हवे रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक के द्वारा सारी बात एक श्लोक के द्वारा बता दिया इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी हम सबको ऊपर में कृपा करे वो जो उपदेश दिए हैं एक दिन ना एक दिन ये उपदेश के अनुरूप अपना जीवन को अगर हम चला पाएंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा वंशाकल